फलोदी भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जिला अध्यक्ष मनोहरलाल पालीवाल के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस सेवा समर्पण अभियान के तहत आज शहर के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कई कार्यक्रम आयोजित। भारतीय जनता पार्टी जोधपुर देहात उत्तर जिला फलोदी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस भाजपा सेवा और समर्पण अभियान के अंतर्गत 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक विभिन्न जनसेवा कार्य करेगी। इस अभियान के तहत आज जिला अध्यक्ष मनोहरलाल पालीवाल के नेतृत्व में सेवा और समर्पण अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मीडिया प्रभारी सुनील कुमार बोर्ड ने बताया कि जिला अध्यक्ष पालीवाल ने इस मौके पर कहा कि मोदी की असाधारण सोच, अनुकरणीय नेतृत्व और समर्पण बड़ी सेवा ने राष्ट्र के संपूर्ण विकास का आगाज किया है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष तमाम चुनौतियों के बावजूद आत्मनिर्भरता की भावना को प्रोत्साहित करने के मोदी के प्रयास सफल रहे हैं। मीडिया प्रभारी बुलेट ने बताया कि भाजपा जोधपुर देहात उत्तर जिला महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष गौरा देवी व्यास के मार्गदर्शन में महिला मोर्चा द्वारा फलोदी स्थित सिद्धपीठ मां लटियाल जी के मंदिर के आगे स्थित चौक पर रंगोली बनाकर उस पर 71 प्रदीप प्रज्वलित किए गए एवं साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर मां लटियाल से उनके दीर्घ आयु की स्वास्थ्य की कामना की गई। फलोदी के भाजपा किसान मोर्चा जोधपुर देहात उत्तर के कार्यालय भोजासर में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर शहीदों की वीरांगनाओं को किया गया सम्मानित। फलोदी के भाजपा किसान मोर्चा जोधपुर देहात उत्तर के कार्यालय भोजासर में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर शहीदों की वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। किसान मोर्चा अध्यक्ष सेवानिवृत्त कैप्टन धोकलना विष्णु से मिली जानकारी के अनुसार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन अवसर पर भाजपा किसान मोर्चा जोधपुर देहात उत्तर के भाजपा कार्यालय भोजासर में किसान और शहीदों की वीरांगनाओं का सम्मान किया गया। इस अवसर पर किसान मोर्चा अध्यक्ष सेवानिवृत्त कैप्टन धोकलना विष्णु ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर उनके द्वारा देश हित में किए महान कार्यों के बारे में आमजन को अवगत करवाया। साथ ही बताया कि देश का एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है जो वैज्ञानिक वह विशेषज्ञों की टीम के साथ इस कोविड काल में वैक्सीन जैसी संजीवनी लाए। इस अवसर पर किसान भाजपा जिला अध्यक्ष रिटायर्ड कैप्टन डी आर विश्नोई, नैनाराम किसान मंडल अध्यक्ष फलोदी सुजान बागानी, सदरा राम पेराजना, मीडिया प्रभारी जितेंद्र कुमार सुथार, उप मीडिया प्रभारी पारस सोनी, रेशमा राम करीब, रामलाल मास्टर, अशोक कालीराणा, भवरमल धतरवाल के साथ भोजासर के कई ग्रामीण व जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। भारत विकास परिषद शाखा बाप जिला जोधपुर राजस्थान पश्चिम प्रांत की नवगठित कार्यकारिणी की प्रथम बैठक आज अध्यक्ष सोहन राम विष्णु की अध्यक्षता में आदर्श विद्या मंदिर बाप में आयोजित की गई। बाप के आदर्श विद्या मंदिर में आज अध्यक्ष सोहन राम विष्णु की अध्यक्षता में भारत विकास परिषद शाखा बाप जिला जोधपुर राजस्थान पश्चिम प्रांत की नवगठित कार्यकारिणी की एक बैठक आज आयोजित की गई। बैठक में रक्तदान शिविर आयोजन, गुरु वंदन, छात्र अभिनंदन, भारत को जानो प्रतियोगिता, राष्ट्रीय एकल गीत प्रतियोगिता व दायित्व ग्रहण समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में परिषद के राष्ट्रीय मंत्री मुकुंद सिंह राठौर ने बाप शाखा के गठन के लिए सभी को बधाई देते हुए भारत के सर्वांगीण विकास व पीड़ित मानवता की सेवा में अपना तन मन धन समर्पित करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। प्रांतीय अध्यक्ष जगदीश प्रसाद शर्मा ने भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित किए जाने वाले सेवा और संस्कार के प्रकल्पों की जानकारी देते हुए बताया कि भावी पीढ़ी को संस्कारित कर सामाजिक बदलाव के माध्यम से भारत के सर्वांगीण विकास की दिशा में कार्य करने वाला विशेष संगठन है। बैठक में प्रांतीय संगठन मंत्री डॉक्टर विष्णुदत्त दवे भी उपस्थित रहे। बैठक में परिषद के संरक्षक अखिलाश खत्री ने बताया कि शाखा अध्यक्ष सोहनराम विष्णोई ने सभी आगंतुकों का स्वागत करते हुए बाप में भारत विकास परिषद के माध्यम से जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाएगी। शाखा सचिव राजेंद्र कुमावत ने बताया कि बाप शाखा में वर्तमान में 40 सदस्य हैं, जिसे शीघ्र ही बढ़ाकर 60 किया जाएगा। कोषाध्यक्ष भवनलाल दवे ने लेखा जोखा प्रस्तुत किया। बैठक में नवगठित कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष बुद्धाराम विष्णोई, महासचिव विक्रमादित्य सिंह सहित दायित्वधारी उपस्थित रहे। सचिव राजेंद्र कुमार ने सभी का आभार व्यक्त किया। प्रशासन गांव के संग अभियान को लेकर आज से प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी। फलोदी पंचायत समिति सभागार में आयोजित प्रशिक्षण सत्र की अध्यक्षता सरपंच मोहम्मद अली ननेव द्वारा की गई। फलोदी पंचायत समिति के सभागार कक्ष में शुक्रवार 20 सितंबर से 30 सितंबर तक आयोजित होने वाली गांव सभाओं एवं 2 अक्टूबर से 17 दिसंबर तक आयोजित होने वाली प्रशासन गांव के संग अभियान की पूर्व तैयारियों को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में डड्डू, सावरीज, उदानियों की ढाणी, खारा, दयासागर, बामनू, मलार, रेन, ननेऊ, विजयनगर
एवं जोड़ ग्राम पंचायत के सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, वार्ड पंच, कनिष्ठ लिपिक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी एवं ग्राम रोजगार सहायकों ने भाग लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में ग्राम सभाओं और प्रशासन गाँव के संग अभियान की तैयारी के संबंध में विस्तार से बताया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में विचार व्यक्त करते हुए CSO प्रतिनिधि एवं जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर एडवोकेट गोर्धन जयपाल, CSO प्रतिनिधि एवं ब्लॉक स्तरीय मास्टर ट्रेनर अशोक कुमार मेघवाल ने कहा कि करीब एक दशक बाद राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन गाँव के संग अभियान वापस शुरू होने जा रहा है। इस अभियान से आम आदमी को लाभ किस तरह मिले, इसके लिए हमें आपसी सामंजस्य बनाकर काम करना होगा। उन्होंने उपस्थित सरपंचों एवं ग्राम विकास अधिकारियों से आह्वान किया कि वे इस अभियान में सक्रिय रूप से सहयोग करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जा सके। इस अवसर पर सहायक विकास अधिकारी महेंद्र कुमार जोशी, प्रेम रतन दवे, मानक लाल पालीवाल ने बताया कि प्रशासन गाँव के संग अभियान के दौरान 19 विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौके पे मौजूद रहेंगे। मेघवाल ने कहा कि हमें गांव सभाओं को सफल करने के लिए जोर देना होगा ताकि प्रशासन गाँव के संग अभियान में मदद मिल सके। उन्होंने ग्राम सभाओं के आयोजन की प्रक्रिया, रजिस्टर संधारण करने, प्री कैंप, आवेदकों को प्राप्ति रसीद देने, नियम अनुसार पट्टे देने की प्रक्रिया, आबादी भूमि के प्रस्ताव, पेंशन एवं पालनहार योजना आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी देकर संभागियों के सवालों के जवाब दिए। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सरपंच हीराराम बिश्नोई, मोहम्मद अली ननेऊ, राजेंद्र सिंह बामणू, नारायण राम पवार, कानाराम बिश्नोई, शिषपाल बिश्नोई, भूराराम भील, ऊषा पालीवाल, प्रेमलता व्यास, सरोज बिश्नोई सहित विभिन्न संभागी उपस्थित रहे। प्रशिक्षण सत्र का संचालन CSO प्रतिनिधि अशोक कुमार मेघवाल ने किया। प्रशिक्षण सत्र की अध्यक्षता सरपंच मोहम्मद अली ननेऊ एवं सरपंच हीराराम बिश्नोई द्वारा की गई।